यार कभी कभी ऐसी क्वालिटी ओनर्स को सेल करनी पड़ जाती है, बिकॉज जॉब होती है उनका ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से वो कैपेबल नहीं होते डॉग्स को साथ ले जाने के लिए। लेकिन सच बताऊं तो यार ऐसी क्वालिटी परचेज करने के बाद भाई सेल करने का किसी का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी क्वालिटी के डॉग्स लोग तभी परचेज करते हैं जब उन्हें किसी भी चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज ही ना करना, और क्वालिटी में तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं। सो इस जर्मन शेफर्ड के बारे में और बातें करने से पहले भाई, क्या आप लोगों ने आज की हमारी संडे स्पेशल वीडियो देखी? अगर नहीं देखी तो भाई इसका लिंक आप लोगों को ऊपर आई के बटन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा भाई, अल्टीमेट वीडियो जिसमें आप लोगों को फ्री अडॉप्शन में भी डॉग मिले और प्राइस तो बहुत अफोर्डेबल है। तो आज जो जर्मन शेफर्ड मैं आप लोगों के लिए लेकर आया ना भाई, मैं गारंटी देता हूँ कि सिर्फ 5 सेकंड्स में आप लोगों ने इसकी क्वालिटी को जज कर लिया होगा। एंड गाइस यकीन मानिए, ये जो जर्मन शेफर्ड आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अभी जस्ट 5 मंथ्स का ही हुआ है, तो इसकी ग्रोथ को देखते हुए आप लोग आसानी से समझ सकते हो कि उन्होंने कितनी अच्छी डाइट पर रखा है। वैसे गाइस इस जर्मन शेफर्ड में जो सबसे ब्यूटीफुल चीज है ना वो है एक तो इसका ब्लैक मास्क। भाई जर्मन शेफर्ड में ब्लैक मास्क बहुत तगड़ा लगता है, एंड साथ में इसका कलर भी, क्योंकि जर्मन शेफर्ड में ब्लैक एंड रेड कलर को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और वो चीज आप लोग इस में देख ही रहे हैं। तो अब कुछ ऐसी चीजें जो कि मैं आप लोगों को जर्मन शेफर्ड के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो इसकी एज, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ ये 5 मंथ्स का हो चुका है। दूसरी चीज इसका कोट, भाई ये जर्मन शेफर्ड प्योर लॉन्ग कोट में है और वो आप लोग इसके ईयर्स के पास से जो हेयर है ना उसे देखकर जज कर सकते हो। और थर्ड चीज है वो है इसका टेम्परामेंट, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जर्मन शेफर्ड काफी अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं, तो वो चीज आप लोगों को इसमें भी देखने को मिलेगी। डॉग जो है ना अच्छे से गार्डिंग करता है, लेकिन गाइस इस डॉग को अच्छे से ट्रेन करने के लिए ना आप लोगों को जो इसकी ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अभी तो इसकी एज इतनी ज्यादा भी नहीं हुई है, तो आप लोग काफी सारी चीजें आसानी से सिखा सकते हो। और दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज भाई, चाहे आप लोग पपीज को परचेज करो या फिर एडल्ट डॉग्स को, वो आप लोगों को हमेशा पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि उन्होंने इसकी डिफॉर्मिंग लास्ट टाइम कब की थी। अगर काफी टाइम हो गया ना तो आप लोग खुद से अपने डॉग्स की डिफॉर्मिंग कर दे, चाहे छोटे पपीज हो, एडल्ट डॉग या फिर सेमी एडल्ट डॉग्स। और जो मेन चीज है ना भाई वो ये है कि एक तो आप लोग इन्हें स्लीपी फर्श पर बांध के ना रखें, क्योंकि जर्मन शेफर्ड के जो लेग्स है ना उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि जब आप लोग इन्हें खाना दो ना वो इनके चेस्ट के लेवल पर रख कर दे, ज्यादा ऊपर भी नहीं भाई और नीचे तो आप लोगों को रखना ही नहीं है। वैसे दोस्तों सवाल ये आता है कि अरमनजी इस डॉग को हम लोग परचेज कहाँ से करें? तो पहले मैं आप लोगों को वही बता देता हूँ भाई, ओनर की जो लोकेशन है ना वो है डूंगरपुर राजस्थान से। बाकी डिलीवरी को लेकर यार आप लोगों को ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। काफी लोग ये सुनकर भाई निराश भी होने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसे परचेज करने की ख्वाहिश रखते होंगे, लेकिन भाई उनकी लोकेशन ओनर की लोकेशन से काफी दूर होती है, तो भाई आप लोगों को खुद ही आकर इस डॉग को परचेज करना होगा। हाँ, रेलवे स्टेशन तक ओनर डिलीवरी करा सकते हैं। वैसे तो भाई इसकी क्वालिटी देखने के बाद पेरेंट्स की क्वालिटी देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वालिटी आप लोगों को पता ही है कि किस लेवल की है। बाकी फिर भी अगर ओनर के पास फोटो वीडियोस अवेलेबल हो तो आप लोग ओनर से डिस्कस कर सकते हो, नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस फाइनली बात आती है इसके प्राइस के बारे में। आई एम श्योर आप लोग भी काफी एक्साइटेड हो रहे होंगे कि यार इसका प्राइस क्या होने वाला है, क्योंकि क्वालिटी तो भाई अल्टीमेट है। क्वालिटी में आप लोगों को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। पर्सनली बताऊं तो मुझे जर्मन शेफर्ड की क्वालिटी बहुत ज्यादा पसंद आई। तो भाई उन्होंने जो जर्मन शेफर्ड के प्राइस की डिमांड किया ना यार वो किया 25,000 पीस, यानी सिर्फ 25,000 रुपए। भाई देखो क्वालिटी के हिसाब से प्राइस सच में बहुत जेन्युइन है। आई एम श्योर आप लोगों को ज्यादा तो नहीं लगा होगा, बट फिर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि क्वालिटी के हिसाब से प्राइस कैसा है। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। Take care and bye-bye.